हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती का नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, क्या योग्यता मांगी गई है, यहाँ बिना परीक्षा जो है वो शिक्षक कैसे बनेंगे, किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है, तो सारी बातें हम डिटेल में इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट सेक्शन में जो है वो आप देख सकते हो, सबसे नंबर वन सीरियल पर है वॉक इन इंटरव्यू 2023-24। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। 5 जुलाई को पब्लिश हुआ था बट मुझे नहीं पता लग पाया, और जैसे ही पता लगा मुझे वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। यहाँ नंबर टू पर जो है वहाँ आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा, बाल वाटिका 2023-24, ठीक है, तो बिल्कुल नया ही है। 3 नंबर पर है बायोडाटा फॉर्म फॉर वॉक इन इंटरव्यू, तो आप इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ जाना है पूरा बायोडाटा फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप डाउनलोड करके इसको फिल करेंगे। 4 नंबर पर जो दिया है कॉन्ट्रेक्चुअल पैनल इंटरव्यू रिजल्ट 2023-24। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल पैनल जो बना हुआ है, ये जब नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आती है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर केंद्रीय विद्यालय में जो है टीचर्स रख लिए जाते हैं। ये 1 से लेकर 12th क्लास तक के जो होते हैं टीचर्स, उनका जो है ये पैनल बना हुआ है, जो कि ये पहले का है, ठीक है। तो इस पर जो है वो आपको नहीं जाना है, आपके काम की जो चीजें हैं वो सीरियल नंबर 1 है 2 है और 3 है, ठीक है। तो इसको ही जो है वो आपको देखना है अच्छे तरीके से और डाउनलोड करना है। 5 जुलाई को ये रिलीज हुआ है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, कई बच्चे ऐसे जो है वो कह रहे थे कि एडमिशन हो रहे हैं बाल वाटिका में, टीचर्स की वैकेंसी तो कहीं भी नहीं है। जहां पर बाल वाटिका एडमिशन हो रहे हैं स्टूडेंट के, वहां पर 100% टीचर की वैकेंसी तो आएगी ही। 450 में से 24 KVS बाल वाटिका में टीचर्स के जो एप्लीकेशन हैं वो आ चुके हैं, ठीक है, तो और स्टूडेंट भर भी रहे हैं। बाकी जैसे ही धीरे धीरे आते रहेंगे वैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, बाकी आप लोग भी चेक करते रहें। लिस्ट जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, ये देखिए सबसे पहले जो है ये नोटिफिकेशन आया था कि यहाँ एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 6 जुलाई से। अब जो 6 जुलाई से जब यहाँ पर बच्चों के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं तो टीचर्स जो है यहाँ पर रखे जाएंगे। उसके बाद ये वाला नोटिफिकेशन आया, केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 वायुसेना स्थल वर्मा सेल पुणे, तो ये पुणे से वैकेंसी आई है। साइट जो है वो बिल्कुल ऊपर दी हुई है, इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। फोन नंबर भी दिया हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू जो है यहाँ पर देखिए कहाँ होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, डेट क्या रहेगी, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। तो दोबारा से आप देख लें यहाँ पर कि साक्षात्कार जो है वो अस्थायी अंशकालीन अनुबंधित नियुक्ति हेतु वर्ष 2023-24। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अंशकालीन यानी कि ऐसा नहीं समझना है कुछ टाइम के लिए, अभी जो नए स्टार्ट हुए हैं इसलिए इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जा रहा है, यही जो है जो टीचर्स ये परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये जो अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल खोनी नहीं है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 पुणे में निम्न पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर बाल वाटिका टीचर्स ECCE ट्रेन टीचर के नाम से ये जाने जाएंगे। यहाँ पर डेट और टाइम देख सकते हो, 5 जुलाई को ये रिलीज हुआ नोटिफिकेशन और 15 जुलाई को आपका जो है ये इंटरव्यू होगा 15 जुलाई को। तो यहाँ पर जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में है, मैं आप लोगों को हिंदी में जो है वो बताऊंगी। सीनियर सेकेंडरी क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आपकी 12वीं जो है 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और BEd नर्सरी फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि BEd चाहिए लेकिन BEd नर्सरी, ठीक है, जो BEd बाल विकास BEd होता है वह यहाँ पर डिमांड की गई है, जिसे BEd नर्सरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो दोबारा से आप सुन लें कि 12th के साथ 12वीं 50% अंकों के साथ NCTE से मान्यता प्राप्त NTT कोर्स, BTC कोर्स, BEd नर्सरी, DECED और बाल विकास BEd या नर्सरी BEd यहाँ पर चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन टीचिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी मराठी, तो आपको इंग्लिश हिंदी या मराठी में जो है वो आपको पढ़ाना तो आना ही चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही यहाँ पर लागू है। इसके अलावा विशेष शिक्षक PGT केमिस्ट्री, PGT इकोनॉमिक्स और TGT हिंदी, इसके लिए आप लोग को जो है साइट पर जाएंगे, वहां आपको क्वालिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। पहले भी मैं आप लोगों को PGT और TGT की क्वालिफिकेशन के बारे में बता चुकी हूँ। नोट में देखें, अंशकालिक शिक्षकों के लिए साक्षात KVS नियम शर्तों के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार सत्यापन के लिए
जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो उसके लिए मूल के साथ सभी यानी कि ओरिजिनल के साथ जो है प्रमाण पत्रों की प्रतियां, फोटोकॉपी, ओरिजिनल विद फोटोकॉपी का एक सेट और दो पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आए। तो वहां पर जो है अपनी फोटोकॉपी है, फोटो है, वो तो आप वहां पर दे देंगे, और जो मूल प्रतियां हैं आपकी वो सिर्फ दिखाने के लिए, किसी को भी आपको देना नहीं है। आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके का बायोडाटा फॉर्म जो है इन्होंने दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये है आपका फॉर्म, इसे जो है वो आप भर लेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, यहाँ जो है वो कंप्लीट जो है वो आप लोग भर के, और उसके बाद जो है साइन वगैरह करके, और इसको अपने साथ लेकर जाना है इंटरव्यू के दिन। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सामान्य बीएड जो है यहाँ पर मान्य नहीं है। बीएड आपकी बाल विकास बीएड, बीएड नर्सरी, यही आपकी चलेगी, और आपको 22,000, 21,000 से 22,000 के बीच में जो है यहाँ पर पेमेंट मिलने वाली है। थैंक यू।